आज हम दिखाने जा रहे हैं कि सीटी मीटर, थ्री फेज सीटी मीटर कैसे लगाता है। जैसे कि ये हो गया हम लोग का सीटी मीटर, और सीटी मीटर का रेटिंग देखिएगा, जैसे कि -5 एम्पियर 3 × 240 वोल्ट यानी थ्री फेज का है, और इसका जो एम्पियर रेटिंग होता है, रेटिंग -5 एम्पियर ऐसा होता है, ये है सीटी मीटर। और सीटी मीटर के साथ लगता है हम लोग को सीटी कॉयल, ट्रांसफार्मर कॉयल होता है करंट फ्लो करने के लिए, तो इसका भी एक रेटिंग होता है 200/5 ऐसा होता है इसका। तो अभी कैसे कनेक्शन होता है वो हम दिखाते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का सीटी मीटर, और हम लोग ये सीटी कॉयल जो बोला है, ये है सीटी कॉयल, देख लीजिए ये है सीटी कॉयल। तो सीटी मीटर का कनेक्शन कैसे होता है हम दिखा देते हैं। इसका ऐसा है, सबसे आसान तरीका क्या है, इसका पोल, पोल देख लीजिएगा क्या है, इसमें टोटल 10 कनेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे कि इसका ये 10 कनेक्टर हो गया, और 10 कनेक्टर में यह है एक नंबर फेज इन, एक नंबर फेज आउट, दो नंबर भी ऐसा ही है, तीन नंबर भी ऐसा है, तीन फेज का। तो सबसे आसान तरीका क्या है देख लीजिएगा, रेड येलो ब्लू और ये न्यूट्रल ऐसा है। तो जैसे कि दो नंबर कनेक्टर में जाएगा रेड, उसके बाद 5 नंबर कनेक्टर में जाएगा येलो, और 8 नंबर कनेक्टर इसमें जाएगा ब्लू, उसके बाद लास्ट जो है 10 नंबर वाला ये है न्यूट्रल। तो ये कनेक्शन हम लोग को करना है। लेकिन सीटी कॉयल का, जो सीटी कॉयल है ये कैसे कनेक्शन होता है, तो सीटी कॉयल के लिए क्या है कि जैसे कि एक सीटी कॉयल, जो फर्स्ट रेड जो फेस है, रेड फेस, जैसे हम लोग का ये है रेड फेस, रेड फेस के अंदर से सीटी कॉयल को डालेंगे, और हमेशा इनपुट ये जो P1 लिखा रहता है कॉयल में, इधर से इनपुट हो गया दूसरा तरफ आउटपुट जाएगा, और ये S2 और S1 जो लाल वाला तार होता है वो, और सीटी कॉयल का तार थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए हम लोग क्या किया है, थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए इसको थोड़ा सा जोड़ लिया है ताकि मीटर तक पहुँचे। तो ये आप लोग जोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जैसे S1 जो है, S1 आपका एक नंबर में जाएगा रेड वाला का, फिर S2 जाएगा ये आउटपुट में रेड का ही, ऐसा करके तीनों फेस का और तीनों जो आपका सीटी कॉयल है सेम कनेक्शन होगा, लेकिन सीटी कॉयल का अंदर से जो फेज है मेन फेज वो करंट फ्लो करेगा, उसका हिसाब से एम्पियर रीडिंग आपका यहाँ पे मीटर में आएगा, जैसे कि ये मीटर रीडिंग दिखा रहा है। तो ऐसा करके आप लोग को कनेक्शन करना है, एकदम आसान है। सीटी कॉयल का कनेक्शन का जो S1 है एक नंबर में इनपुट में, और S2 आउटपुट, ऐसा करके ही जैसे कि एक एक सीटी कॉयल का एक एक फेज में, जो फेज में आप सीटी कॉयल डालिएगा उसी का ही फर्स्ट कनेक्टर में जोड़िएगा सीटी कॉयल का कनेक्शन S1 S2, और सीटी कॉयल का जो P1 है, P1 साइड, वहाँ से इनपुट होके आउटपुट आप, जैसे कि ये P1 इनपुट होके आउटपुट आप लोड में दे सकता है। तो ऐसा ही कनेक्शन होता है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है।